मनेनगढ़ में भाजपा ने शराब घोटाले को लेकर चक्का जाम कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान के सामने नारेबाजी करते हुए पोस्टर चिपकाए हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में तमाम घोटाले हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में युवाओं को अच्छा मौका मिल सके इसके लिए जो राज्य प्रशासनिक सेवा भर्ती है वो PSC जो संस्था है उसके माध्यम से भर्ती किया जाता है। लेकिन अभी जो PSC के रिजल्ट निकले उसमें आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के नेता हैं, जो उस PSC में जुड़े हुए उसके चेयरमैन हैं, उसके जो अधिकारी हैं, उनके रिश्तेदारों का और उनके परिवार वालों का, अधिकांश लोगों का नाम उस चयन सूची में है। और एक एक घर से जो PSC के चेयरमैन हैं उनके यहाँ से तीन तीन चार चार लोगों का PSC में चयन होना, ये भ्रष्टाचार को, भूपेश बघेल की सरकार के भ्रष्टाचार को बताता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वाधान में संपूर्ण प्रदेश में आज चकाजाम, शराब दुकानों का घेराव, वहां पर पोस्टर चिपकाना और उसके बाद में ज्ञापन देना, ये कार्यक्रम हमारा आयोजित था। आप सभी जानते हैं ED ने तथ्यों के आधार पर 2000 करोड़ का घोटाला संज्ञात किया है। उसके खिलाफ में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार भी किया है। ये सूत्र, ये तार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तक। 2000 करोड़ का जो घोटाला ईडी के द्वारा पकड़ा गया है और कहीं ना कहीं इसमें भूपेश सरकार पूरी तरह से संलग्न है और भूपेश सरकार की जो गिरफ्तारी का भी हमारी महिला मोर्चा मांग कर रही है कि कहीं ना कहीं हमारी जो महिला प्रदेश की महिला मोर्चा को सम्मान में पहले धोखा दिए हैं क्योंकि शराब बंदी का जो वादा किए थे शराब बंदी ना करके स्वयं शराब घोटाला करने में ये कांग्रेस सरकार पीछे नहीं हटी है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा पूरी तरह से इसका विरोध कर रही है और जो 2000 करोड़ की घोटाला हुई है उसमें सरकार को कटघरे में लाकर उन पर कार्रवाई करने के लिए, उनको सत्ता से नीचे आने के लिए हमारी महिला मोर्चा आह्वान कर रही है। और छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी का नदी बचाओ